आपको बताएं, बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों ने सूरतेहाल बदतर बना दी है। मजीद बारिश के इम्कान के बाद इंसानी अलमिया रोनुमा होने का खदशा है। बलूचिस्तान में सैलाबी शाहराहें खुजदार पशीन और किला अब्दुल्ला के अक्सर देहात पानी में डूबे हुए हैं और हुकूमती इमदाद के मंतजर हैं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुतादित इलाकों में मजीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। पिछली बारिशों सैलाबी रेलों की तबाहकारियों ने बलूचिस्तान के अवाम को जिंदगी और मौत के दौराहे पर ला खड़ा किया। क्वेटा कराची और तफ्तान जाने वाले रास्ते खुल न सके, अहम कौमी शाहराहें बंद पड़ी हैं। पीडीएमए के मुताबिक बारिश का नया सिस्टम क्वेटा, मस्तों, कलात, लसबेला, आवारान, पंजगोर, हब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, हरनाई, सिब्बी, नसीराबाद और झल मक्सी में दाखिल हो चुका है। क्वेटा से कराची जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। जब हम आए अचानक, यानी उन लोगों की तरफ से बिल्कुल ओके था कि ट्रेन जाएगा, तो अभी आए अचानक इन लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन कैंसिल हो गई है, अभी मजबूरन हमें घर दोबारा जाना पड़ रहा है। मुतादिद इलाकों में अक्सर देहात पानी में डूबे हुए हैं, मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मंतजर हैं। गंदावा के देही इलाकों का जमीनी रब्ता 6 रोज से मुनक़ता है। सौराब में पानी घरों में दाखिल हो गया। तारकी डैम के स्पिल वेज से सैलाबी पानी का इखराज जारी है। लसबेला में ओथल नदी में बह जाने वाली दोनों गाड़ियों के मुसाफिरों को बचा लिया गया। डीसी लसबेला मुराद खान ने आवाम को 2 रोज तक सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। इस सूरतेहाल को देखते हुए लसबेला के आवाम से दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर बरसाती और मकामी नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। अब तक 22,600 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हो चुके हैं और अमवात की तादाद बढ़कर 200 से ज़ायद है।